शिक्षक बहाली के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो ट्वीट किया था, जब वे ट्रोल होने लगे तो उसको डिलीट कर दिए। लेकिन एक बात मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कब तक नियुक्ति होगी, स्पष्ट रूप से उन्हें बताना चाहिए कि शिक्षकों की नियुक्ति कब तक होगी, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, इनकी नियुक्ति होगी या यूं ही टाल मटोल करके और इसे लटकाए रखना चाहते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि 6 अक्टूबर को माननीय मंत्री जी ने ट्वीट किया था, शिक्षकों का जो वेतन बकाया था कई महीनों का, 3 महीना 4 महीनों का वेतन बकाया था शिक्षकों का, तो उसको तोहफा के रूप में विज्ञापित किया गया था, पोस्टर निकाला गया था और माननीय मंत्री जी भी मुख्यमंत्री जी के साथ एक फोटो के साथ ट्वीट किए थे कि तोहफा दे रहे हैं शिक्षकों को, लगा कि चलो भाई दशहरा में शिक्षकों की दशहरा अच्छी ढंग से कट जाएगी, बकाया वेतन में कम से कम 1 महीने का वेतन तो मिला। लेकिन दुर्भाग्य है कि दशहरा में किसी शिक्षक को या वेतन जो बकाया वेतन उनका था, जिसको सरकार तोहफा के रूप में प्रचारित कर रही थी, नहीं मिला। अब माननीय मंत्री जी क्या बताएंगे कि दीपावली में शिक्षकों को वह बकाया वेतन जो है वह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिवाली वे मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, यह स्पष्ट करना चाहिए माननीय मंत्री जी को। और एक सबसे बड़ा एक और अहम सवाल है कि पिछले बार विधानसभा चुनाव के पहले अगस्त में सरकार द्वारा घोषणा किया गया था कि शिक्षकों को, लगभग 3.5 लाख शिक्षकों को हम 15% वेतन बढ़ोतरी देंगे, डीए के रूप में महंगाई भत्ता के रूप में हम 15% का वृद्धि करेंगे और वह जो है सो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। अब यह अक्टूबर समाप्त होने वाला है, लेकिन अब तक जो है वह जो वेतन वृद्धि की घोषणा जो कैबिनेट द्वारा किया गया चुनाव के पूर्व, आम विधानसभा चुनाव के पूर्व जो घोषणा किया गया, अभी तक वह अमल में नहीं आया है। तो क्या यह केवल जुमलेबाजी था या वास्तव में सरकार देना चाहती है शिक्षकों को, स्पष्ट करना चाहिए। क्यों सरकार बर्बाद करने पर तुली हुई है, बिहार में शिक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है और शिक्षकों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है, सरकार क्यों कहती कुछ है, सरकार की विश्वसनीयता जो है सो संदेह के घेरे में आ गई है, सरकार की विश्वसनीयता पर यह सवाल खड़ा हो रहा है, प्रश्न खड़ा हो रहा है कि सरकार बोलती कुछ है करती कुछ है, जो बोलती है उस पर अमल नहीं करती है। माननीय शिक्षा मंत्री लगातार उनका बयान बदलते रहता है।